हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण सत्यार्थी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एग्ज़ाम के दौरान, टाइपिंग एग्ज़ाम के दौरान आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें अक्सर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम, उनके बारे में बताऊंगा। जैसे जैसे क्या होता है कि हमारा जो पैसेज होगा, यानी टाइप करने के लिए जो कॉन्टेक्स्ट होगा, वो किस टाइप का होगा, ठीक है। और जैसे स्क्रॉलर की प्रॉब्लम, स्क्रॉल करते हैं ना जनरली, जैसे यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं वैसा नहीं होता, वो थोड़ा अलग होता है। तो क्या होता है कि हम जब स्क्रॉल करते हैं तो उसमें ये बहुत चांसेस रहते हैं कि एक्स्ट्रा स्क्रॉल हो जाए, है ना, या फिर लेस स्क्रॉल हो जाए, ये सब प्रॉब्लम रहती है। या फिर जैसे हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तब क्या होता है कि कई बार बहुत सारा पैनिक अटैक होता है, पैनिक फील होता है। लाइक जब हमें लगता है कि हमारी स्पीड कम हो रही है, तो हमें इस स्पीड से थोड़ा और फास्ट करना पड़ेगा, हमारी मिस्टेक्स होने लग जाती है ना, उस ड्यूरेशन में हमें क्या करना चाहिए इस तरह की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे होता क्या है कि हम लगातार जब पैसेज टाइप करते रहते हैं, और अगर हम अपनी मतलब पलकें हैं बार बार ऐसे ब्लिंक करते रहेंगे, नहीं करते हैं, तो क्या होता है हमारी आंखों से आंसू वगैरह निकलने लगते हैं ना, और जो हमारी आंखें हैं वो थकने लगती हैं। तो बार बार ब्लिंक करना चाहिए इस तरह की प्रॉब्लम। और जैसे क्या होता है कि डबल क्लिक, है ना, कई बार क्या होता है कि जो हमारी कीज़ होती है ना, राइट, हम क्लिक करते हैं सिंगल की को, लेकिन वो डबल क्लिक, डबल कीज़ पर प्रेस हो जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे अवॉइड करें। या फिर जैसे वर्ड डाइजेस्ट हो जाता है, कई बार हम लोग टाइप करते हैं एक पूरा पूरा वर्ड ही गायब हो गया, या पूरी पूरी लाइन ही गायब होगी, इस तरह को किस तरह से हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को किस तरह अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे, राइट। हमारी पहली प्रॉब्लम है कि पैसेज कैसा होता है। पैसेज बहुत आसान होता है। मैंने जितने भी आज तक एग्जाम दिए हैं टाइपिंग से रिलेटेड, सच में इससे ज़्यादा एसएससी के एग्जाम से ज़्यादा इजी टाइपिंग किसी भी और एग्जाम की होती ही नहीं है। इसमें इरर्स 10% तक अलाउड होती है, या 7% तक अलाउड होती है, जबकि और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें 5% या उससे लेस इरर अलाउड होती है। कई बार उनमें बैक स्पेस भी अलाउड नहीं होता, इसमें बैक स्पेस भी अलाउड होता है, राइट। और इसमें हाफ मिस्टेक का भी थोड़ा अलग रहता है, उसमें हाफ मिस्टेक को फुल मिस्टेक कंसिडर किया जाता है। तो ये, और ऊपर से इसमें डिप्रेशन भी बहुत लेस होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी होता है, और इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत ही इजी आता है, राइट। इसमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी, कभी कभार एक आध डाल देते हैं। कैपिटल वर्ड्स बहुत ही कम होंगे, जैसे कैपिटलाइज, जैसे फुल लिखना है तो कैपिटल एफ बनेगा, इस तरह की वर्ड भी बहुत ही कम होते हैं। क्वेश्चन मार्क जैसे सिम्बल्स बहुत ही कम यूज़ करे जाते हैं, ये सब होता है इसमें। और ये बहुत ही, मतलब सबसे ईजी लेवल का जो होता है ना पैसेज, बहुत ही ईजी होएगा ये, तो इनका रहता है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दे रखे हैं एसएससी के, और मैंने टाइपिंग भी दी है, तो उनमें आज तक मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे तो हमेशा बहुत ही, मतलब इजी टाइप का लगा, और वो इजी ही होते हैं, तो आपके लिए भी इजी रहेगा। आप इस बात को लेकर टेंशन ना लें कि वहाँ पर बहुत टफ रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क, न्यूमेरिकल वैल्यूज, है ना, कामा की बहुत सारी कीज़ जैसे क्वेश्चन मार्क, है ना, स्लैश, सेमी कॉलन, इस तरह की जो कीज़ हैं वो डिप्रेस होंगी, बहुत ही लेस होंगी, बहुत ज़्यादा डॉट, राइट, इस तरह की कीज़ तो यूज़ हो सकती हैं। एक आध वर्ड कैपिटल वर्ड का यूज़ होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ईजी रहेगा। दूसरी प्रॉब्लम अपनी थी कि एग्ज़ाम देते समय क्या होता है, बहुत सारा हम लोगों को नर्वसनेस फील होती है, पैनिक टाइप का फील होता है, राइट। जब भी एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है, तो आप क्या करो, स्टार्टिंग में जो है आप बहुत ही स्लो टाइप करो, बहुत स्लो नहीं, मतलब टाइप करो इजीली, बहुत ही एकदम कंफर्ट होकर टाइप करना। ये नहीं कि बहुत फास्ट हो गए स्टार्टिंग से ही, सोचा कि बहुत से, मतलब अभी से हम सारा जल्दी फिनिश कर लेंगे, जल्दबाजी भी नहीं रहनी चाहिए। जैसे होता है ना, कोई रनर जब दौड़ता है तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड स्लो रहती है, ताकि वो चीज़ों को समझ सके, है ना, फिंगर्स उसकी कंफर्ट हो जाए, तो वही आपको करना है। और जब बीच में अगर लगे कहीं पर थोड़ा सा भी पैनिक हो रहा है, बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं आपसे, है ना, तो उन्हें अवॉइड करने के लिए क्या करो, आप 1 सेकंड या 2 सेकंड के रुक जाओ, बिल्कुल नहीं आगे बढ़ना, एकदम गहरी गहरी सांसें लो, दो एक, फिर उसके बाद फिर आप बढ़ो। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। दरअसल मैं एसएससी का ही एग्ज़ाम दे रहा था, उसमें टाइपिंग हुई, तो टाइपिंग क्या हुआ कि मुझे लगने लग गया, मेरे से एग्ज़ाम के दौरान क्या हुआ, मिस्टेक्स होने लगी ढेर सारी बार बार। और मैं कहूँ यार, क्या मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस करी है, उसके बाद भी ये हाल, बार बार मिस्टेक्स हो रही हैं। फिर मैं एकदम रुक गया, मैंने कहा कि रुको, ये ठीक नहीं। फिर थोड़ा सा मैंने अजीब सा फील हो रहा, हाँ, उंगलियाँ कांपने लग गई। फिर मैं थोड़ा सा कंफर्ट हुआ, थोड़ी लंबी लंबी सांसें ली, और ठीक है, फिर उसके बाद मैं बढ़ा, फिर धीरे धीरे स्लो, फिर मैंने स्पीड पकड़ी, और उसके बाद बूम, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने एंड कर दिया, और मेरे पास शायद 1 मिनट बच भी गया था, ये हुआ। तो यही आपको करना है वहाँ पर, इस तरह से आप जो पैनिक अटैक या फिर जो नर्वसनेस फील होगी उसे अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी हमारी प्रॉब्लम थी स्क्रोलर की, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्क्रोलर होता है कैसे एक्चुअली, ठीक है। जब हम वहाँ मैन एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट दे रहे होंगे, तब क्या होगा कि उसका इंटरफेस तो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे टाइपिंग बाबा का आप देखते हैं, ठीक है, इसी तरह होगा टाइमर, उसमें इसमें क्या है, बीच में होता है, वो साइड में चल रहा होगा, ठीक है। और आप देखते हैं कि यहाँ पर जनरली क्या होता है, जितने भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर हैं उनमें क्या होता है, स्क्रोलर में आप देखना है, ये देखो यहाँ पर, ये अप साइड के लिए स्क्रोलर और ये डाउन साइड के लिए स्क्रोलर, इसमें उसमें मेंशन होता है, राइट। लेकिन जब हम मैन एग्जाम में वहाँ दे रहे होंगे, तो वहाँ पर ये अप साइड और डाउन साइड वाला बिल्कुल नहीं होगा, ये सिर्फ बार दे रखा होगा ये वाला, बस इसी को अप एंड डाउन करके हम लोगों को स्क्रॉल करना होता है। अब यह क्या होता है कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है इस तरह करने की, तो होगा क्या कि आप इस तरह से स्क्रॉल करेंगे, और ये जो लाइन है ना, जैसे जर्मन
कुड बी, है ना, समटाइम्स ये भी हो सकता है कि ये ऊपर चले जाए या नीचे चले जाए, फिर आप उसे सर्च करते रहें, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, जनरली मैंने ये जर्मन कुड देख लिया, ठीक है, राइट, तो और नीचे का देयर फोर और ऊपर का ये, तो मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ बहुत ही स्लो, कोशिश यही करूँगा कि स्लो होगा, और फिर इसे जर्मन कुड को ऐसे जनरली अवॉइड करके, मतलब उसे हाइड करके तुरंत ही आ जाऊँगा, फिर मुझे पता होगा कि मुझे यहाँ नॉट अराइवल से, फिर नेक्स्ट टाइम इसके नीचे यहाँ पर आऊँगा आराम से यहाँ पर, ठीक है। होगा क्या, अगर आपको इस तरह से स्क्रॉल करने की प्रैक्टिस नहीं है तो ये स्क्रॉलर टाइपर बहुत भागता है इधर उधर, है ना, तो इसलिए आपको इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर एक एक सेकंड बहुत ही वैल्यू रखता है। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो वर्ड डाइजेशन या लाइन डाइजेशन की। जनरली क्या होता है, हम टाइप कर रहे होते हैं तो हम बहुत ही फ्लो में होते हैं, तो हमें नहीं, मतलब हम चाहते तो हैं कि हमारा सब टाइप सही हो जाए, लेकिन क्या होता है कि हमारे जो वर्ड्स हैं या कई बार लाइन लाइन डाइजेस्ट हो जाती है, और जो लाइन डाइजेस्ट होती है तो वो मैक्सिमम मतलब थ्री मतलब अराउंड 10 के अराउंड एक बार में नंबर ऑफ मिस्टेक्स हो जाती है उसमें, या वर्ड डाइजेस्ट हो जाता है पूरा का पूरा। तो इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर यहाँ हमने थोड़ी सी भी चूक की तो बस हमारा खेल खत्म हो जाएगा। तो देखिए किस तरह की जनरली होता क्या है कि, और दिखाते हैं स्क्रीन में कि इस वर्ड डाइजेशन में क्या होता है, जैसे हमने कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, वन इवनिंग राइट, और यहाँ हमने लिखा देयर फोर, राइट, और इसके बाद सेल्फ सेलीफैन द कोच मैन। अब हो गया क्या, हो सकता है फिर हम रिसीव्ड लिखना भूल जाएं, या ऑर्डर्स तो हमने लिख दिया लेकिन टू लिखना भूल गए, ये वाला टू लिखना भूल गए, और हम कहाँ पहुँच गए, ये टू लिखना भूल जाएं और हम कहाँ पहुँच जाएं, सीधे हैव पर। तो ये पूरा क्या हो गया हमारा वर्ड डाइजेशन, और ये होता है अगर आपकी प्रैक्टिस कम है ना, तो ये बहुत ही नेचुरल है कि आपके साथ भी हो। तो इन्हें अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पैसेज जो है पूरा आप दिमाग में पढ़ते हुए करें, तो वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये यही ये जो लाइन मिस्टेक होती है ना, जैसे पूरी लाइन की लाइन हम डाइजेस्ट कर ली, ये वाली जैसे ये पूरी की पूरी लाइन मान लो डाइजेस्ट की, इस चीज़ को अवॉइड भी इसी तरह से कर सकते हैं। अब जैसे हमने क्या, ये पढ़ा हॉर्सेस हार्नेस्ड इन गुड, ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा टाइम, तो हमारे दिमाग में ये चलता रहेगा ना कि हमें नेक्स्ट क्या है करना, तो अब दिमाग में कॉन्टेक्स्ट रहेगा, उसका मैसेज मीनिंग रहेगा, तो क्या होगा, तो हम डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे इसके आफ्टर ये आना चाहिए, और रिपीट भी नहीं होगा क्योंकि वो हमने पहले से पढ़ रखा है। तो यही ये बहुत ही आसान तरीका है लाइन डाइजेशन या फिर वर्ड डाइजेशन से को अवॉइड करने का। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम थी टेस्ट, हमने स्टार्ट किया, राइट, तो इसमें क्या है, जैसे दे थिंग चेंज, तो अगर आपकी प्रैक्टिस सही है तो आपकी उंगलियां बिल्कुल अपने हिसाब से चलेंगी, राइट, देखो, लेकिन अगर आपकी उंगलियों की प्रैक्टिस सही नहीं है तो क्या होगा, जैसे आपको लिखना है वर्ड, तो आप क्या करेंगे, आपकी उंगली यहाँ वर्ड, अब डब्ल्यू प्रेस करना चाहते हैं लेकिन आपकी उंगली कहाँ जाएगी, इन दोनों के बीच में, यहाँ तो लकीली ठीक हो गया, लेकिन हो सकता है फिर अगली बार जब आर और ई प्रेस करेंगे तो ई पहले प्रेस हो जाए या उनके साथ मिक्स हो जाए, तो ये भी बहुत नेचुरल है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने का एकमात्र तरीका है वो है ये कि आप इस पर्टिकुलर ऐप जिसमें मैं टाइप कर रहा हूँ, इसमें क्या है कि जिसका नाम है टाइपिंग अकेडमी, राइट, इसके बारे में पहले आपको बता भी चुका हूँ, आप चाहें तो इसमें क्या है, एक ऑप्शन रहता है यहाँ पर टाइपिंग प्रैक्टिस की, आप टाइपिंग प्रैक्टिस पर प्रेस करेंगे और वहाँ पर पहुँचेंगे, अभी खुल रहा है यहाँ क्या, अब यहाँ पर देखो ये इंडिविजुअल लेटर प्रैक्टिस रहती है, जैसे बेस पोजीशन की, ये देखो हमें एस कीपर काम करना है, एफ कीपर, ए कीपर, आर के कीपर, है इस पर इंडिविजुअल की पर हम काम कर सकते। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसका सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप टाइपिंग सीखना चाह रहे हैं तो आपको इस पर प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ जब आपका एग्जाम है उससे पहले आप इन पर बहुत सारी प्रैक्टिस करो, इंडिविजुअल लेटर की, जिससे आपको जो डबल की डिप्रेशन की प्रॉब्लम उसको ओवरकम कर पाए। अब नेक्स्ट क्या है, ये तो आपने किया इस पर, अभी यहाँ पर क्या है, आप अपनी स्पीड को बूस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कॉमा स्लैश, है ना, क्वेश्चन मार्क, इन पर काम कर सकते हैं। इसे इन पर काम करने के लिए क्या, इसमें एक ऑप्शन रहता है, राइट, जैसे यहाँ नीचे हम आएंगे, यहाँ पर रहेगा क्या नाम है उसका, फिंगर प्रैक्टिस, ये रहा फिंगर प्रैक्टिस, राइट, यहाँ पर, और फिंगर प्रैक्टिस में ये रहा ये 32 लेटर, हाँ यहाँ पर इस पर काम कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, आपका कॉमा स्लैश इन्वर्टेड कॉमा क्वेश्चन मार्क सारी की सारी चीज़ें आएंगी, तो आप उन पर आराम से काम कर सकते हैं। देखो इसमें आ रहा है HQ, और यही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्लैश राइट, ये चीज़ें जो है हमारी स्पीड कम कर देती हैं, लेकिन अगर आपको आते हैं इन पर आपने काम किया है तो आपका बिल्कुल नहीं हो, जैसे देखो मेरे की प्रॉब्लम आ रही है, नहीं ना, ऐसे ही, और यही चीज़ हमेशा स्पीड को कम करती है। आपने देखा किस तरह से हम डबल की डिप्रेशन पर ओवरकम कर सकते हैं, उसमें किस तरह से उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, राइट, तो यही सब चीज़ें थी जैसे मैंने बताया था आपको, बताया क्या क्या प्रॉब्लम्स होती आती हैं।
जैसे पैनिक फील होगा आपको, आपका आपकी डबल की डिप्रेस हो जाएंगी, वर्ड डाइजेस्ट हो जाएंगे, है ना। इन चीज़ों को अवॉइड करने का मैंने आपको तरीका भी बताया, तो आई होप कि आप इन सब पर प्रैक्टिस करेंगे तो, है ना, और ये 100% आपको बेनिफिशियल होंगे, आपको फ़ायदा देंगे। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू वॉचिंग मी, साइनिंग ऑफ अरुण सत्यार्थी।